हाय, मैं हूं कुणाल केमू और मैं वेब दुनिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं 18 साल पूरा करने के लिए। अब आप एक अडल्ट हो गए हैं, आप वोट कर सकते हैं। आई विश यू मेनी मोर इयर्स। संजय लीला भंसाली के समय प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण प्रिय हीरोइने हैं। दीपिका के साथ भंसाली ने गलियों की रासलीला, रामलीला और बाजीराव मस्तानी बनाई हैं। तीसरी फिल्म पद्मावती प्रदर्शन के लिए तैयार है। अब वे दीपिका पादुकोण के साथ चौथी फिल्म बनाने जा रहे हैं। साहिर लुधियानवी बायोपिक बनाने का आइडिया भंसाली के दिमाग में अरसे से बुलबुला रहा था। इस फिल्म के हीरो हीरोइनों को लेकर भंसाली को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले उन्होंने इरफान खान और प्रियंका चोपड़ा को इस फिल्म के लिए चुना था। फिल्म जब लंबे समय तक शुरू नहीं हो पाई तो इरफान फिल्म से अलग हो गए। बाद में उनकी जगह अभिषेक बच्चन ने ले ली। अब प्रियंका फिल्म से बाहर हो गई हैं, वे हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं। लिहाजा उन्होंने भंसाली को कह दिया है कि वे फिल्म नहीं कर पाएंगी। ऐसे मौके पर भंसाली को अपनी प्रिय नायिका दीपिका पादुकोण की याद आई। दीपिका ने फौरन हाँ कह दिया। अब फिल्म में दीपिका और अभिषेक इस फिल्म में साथ काम करेंगे। बतौर हीरोइन दीपिका और अभिषेक खेले हम जी जान से 2010 में कर चुके हैं, जो बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। इसके बाद उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर 2014 में की थी, लेकिन उसमें भी वे हीरो हीरोइन के रूप में नजर नहीं आए थे।